डिस्ट्रिक्ट से भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। न सिर्फ ईडी दफ्तर बल्कि रॉस एवेन्यू कोर्ट तक जाने वाले तमाम रास्तों पर बैरिकेडिंग की हुई है और किसी भी अनजान शख्स को या फिर जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के उनको रॉस एवेन्यू कोर्ट पे नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि रॉस एवेन्यू कोर्ट आम आदमी पार्टी का दफ्तर और बीजेपी दफ्तर दोनों ही दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है। तो ऐसे में उस जगह पर कार्यकर्ता ना पहुंच पाए और किसी तरीके का प्रोटेस्ट ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने खास तैयारी की हुई है। दिल्ली पुलिस के अलावा जो है पैरामिलिट्री फोर्स को जो है वो तैनात किया हुआ है ताकि किसी भी तरीके से इस प्रोटेस्ट की वजह से आम आदमी को किसी तरीके की असुविधा ना हो। आम आदमी पार्टी ने इसका ऐलान पहले ही कर दिया है कि इस गिरफ्तारी के विरोध में वो सड़कों पे उतरेंगे और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश भर में प्रदर्शन करेंगे और जनता के बीच जाएंगे और जनता को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए ईडी ने जो है चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी लोगों के बीच जाकर जो है वो बताएगी कि इस जो आबकारी नीति में जो घोटाला हुआ था उसको लेकर लगातार समन भेजे जा रहे थे, पूछताछ करने के लिए अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा था, अरविंद केजरीवाल कोर्ट भी गए, उन्हें कहीं से कोई राहत नहीं मिली और ऐसे में जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। तो एक तरीके से दोनों ही पार्टियां पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जनता के बीच तो जाएंगे ही। वहीं ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करने के बाद जो है ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड देने की कोशिश करेगी, क्योंकि के कविता जो कि इसी मामले में आरोपी है उनको भी ईडी ने कस्टडी में लिया हुआ है। उनकी कस्टडी कल तक है, कल उन्हें पेश करके दोबारा से उनकी रिमांड बढ़ाई जाएगी ताकि दोनों की आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा सके, क्योंकि के कविता को गिरफ्तार करने के बाद जो ईडी ने एक रिपोर्ट दिया था उसमें साफ तौर पर जो अरविंद केजरीवाल का मनी सिसोदिया और के कविता इन तीनों का नाम था। अरविंद केजरीवाल का नाम जो है वो जो ग्राउंड थे के कविता को गिरफ्तार करने के बाद और रिमांड पे लेने के लिए, रिमांड नोट में उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि अरविंद केजरीवाल जो है कहीं ना कहीं पूरे जो घोटाले के मुख्य सूत्रधार के रूप में है। किस तरीके से जो प्रॉफिट मार्जिन को 6 से 12% किया गया था और GOM की जो बैठक बुलाई गई थी वो भी अरविंद केजरीवाल के कहने पे बुलाई गई थी और इस मामले में जो विजय नायर है उसको उसपे जो समीर महिंद्रू इंडोस्पेट के जो MD है समीर महिंद्रू ने अपने बयान में कहा है कि विजय नायर ने फेस टाइम ऐप से जो है अरविंद केजरीवाल की बात कराई थी और अरविंद केजरीवाल ने ये भरोसा दिया था कि विजय नायर उन्हीं का आदमी है और उस पर भरोसा किया जाए। अरविंद केजरीवाल के घर पे भी जो एक्साइज पॉलिसी है इसको लेकर मीटिंग हुई थी। तो कई सारे सवाल हैं जिससे जानना जो है ईडी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस मामले में जब ईडी पूरी अपनी चार्जशीट इससे पहले 5 सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी दाखिल कर चुकी है, अब जब अरविंद केजरीवाल के कविता की भूमिका को लेकर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी तो उसके बाद जो है पूरी घोटाले की जो एक कहानी है जिसका शुरुआत से लेकर अंत तक की पूरी कहानी ईडी के सामने हो जाएगी। इसमें कुछ गलत है, जा चेक कर ले। मैंने लिखा ठीक से कौन, तू सोया रात भर ठीक से? मैं सोया, कोई नहीं सो पाया रात भर। वही तो कह रहा हूँ, तो जो जेल जाएगा वो कैसे सो पाएगा? लो ईडी अधिकारी आना शुरू है, विजुअल बना लेना जो गाड़ी है उसका विजुअल बनाना, अगर अंदर जाएगी तो नहीं गई छोड़ो। डाल चुका इसमें, तो एक भी सिंगल लाइन गलत नहीं है।
से ही बैठा है, कंबल लेके, कंबल और दवाई आई है। एक मिनट में सब हो जाएगा, एक मिनट दीजिए बस। और आगे के नहीं है, ऊपर रखना ही है, ऊपर लाइव करने दो, लाइव होने में से बोले के ऊपर रखना उसको, लाइव शायद उसको थोड़ा खबर हो रही है, स्पेशल वो है, लाइव हो जाना कर लेंगे अपने। हेलो 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 बिल्कुल देखिए, आपको बताना चाहूंगा कल करीब 11:30 बजे ईडी की जो टीम थी वो अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी के दफ्तर में यहां पर पहुंची थी। और अभी जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक रात भर अरविंद केजरीवाल को ईडी के लॉकअप में रखा गया और जो जानकारी मिल रही है कि वो रात भर ठीक से नहीं सो पाए हैं। फिलहाल जो जानकारी मिली है कि अरविंद केजरीवाल उठ चुके हैं और अब जो पूरी दिनचर्या है उसको निभाएंगे यहां पर, और उसके बाद ईडी की टीम जो है अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश करेगी। और ईडी की कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो दिन का रिमांड है वो अरविंद केजरीवाल का लिया जाए, क्योंकि एक लंबी सवालों की फहरिस्त जो है वो ईडी ने अरविंद केजरीवाल के लिए तैयार कर रखी है। तमाम ऐसे सवाल है जो अरविंद केजरीवाल से पूछे जाने हैं। लगातार ईडी की टीम पूछना चाहती थी, 9 समन दिए गए लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे थे। तो ईडी की टीम की यही कोशिश रहेगी जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड मिले, ताकि अरविंद केजरीवाल से वो तमाम सवाल पूछे जाए जो ईडी की टीम पूछना चाहती थी।